الرحمن الرحيم فبأي آلاء ربكما تكذبان। प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए जो रेसिपी लाए हैं वो है चिकन पुलाव। तो आइए चिकन पुलाव बनाना सीखते हैं और पहले देखते हैं कि इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने कच्ची बनस्पति ली है, 1 kg है। तो मैं इसको 15 मिनट अब धो के भिगो के रख दूँगी। 15 मिनट इसको मैंने पानी में रखना है। उसके बाद मैंने ये 4 अदद टमाटर लिए हैं और ये मैंने 1 गट्ठा लहसुन का लिया है और ये 3 अदद मैंने दरमियानी साइज़ की प्याज ली है और ये 1/2 kg से थोड़ा सा ऊपर गोश्त है, ये है। इसके बाद सबसे अब मैं प्याज धो के ब्राउन करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। अच्छा, इसके लिए हम सबसे पहले जो है ना, ये हमारे पास जो लहसुन है वो हमने कूट लेना है और साथ सब्ज़ मिर्चें भी साथ कूट लेनी है। मैंने पतीले में ये मैंने 3 चम्मच ऑयल के डालने हैं। 1 किलो में मैं 3 ही डालती हूँ, आप अपने हिसाब से डालेंगे। मैंने ये 3 चम्मच डालनी है ऑयल के इसमें और ये मैंने प्याज काट के इसको मैंने लाइट ब्राउन करना है। ये देखिए आप, ये प्याज अब ब्राउन हो गए हैं हमारे, इनका बहुत प्यारा कलर आ गया। अब मैं इसमें ये मसाला डालूंगी। ये मैंने लहसुन और जो मिर्चियाँ कूटी थी वो है और ये मैंने 4 अदद टमाटर लिए थे वो काट के मैंने इसमें डाल दिए। दो मिनट में इसकी भुनाई करके फिर मैं इसमें चिकन डाल दूंगी। अब मैं ये इसमें चिकन ऐड कर रही हूँ। अब इसमें मैं अब 2 चम्मच ये नमक डालूंगी। ये कूटी हुई मिर्ची हैं, ये देखिए मैंने घर में ही पीसी हैं। ये सब मिर्चियाँ डाली हैं तो मैं ये 1/2 चम्मच डालूंगी और साथ ही में ये गरम मसाला ज़ीरा है, ये काली मिर्च है, लौंग है, दालचीनी है, ये भी डाल दी है मैंने इसमें। इसकी मैं अच्छी तरह भुनाई करके फिर मैंने पानी डाल देना है, बस भुनाई 2 से 3 मिनट करूँगी। ये चिकन की अच्छी तरह मैंने भुनाई कर ली है, ये देखिए इसने ऑयल छोड़ दिया है, ऊपर ऑयल आ गया। अब मैं इसमें 1 kg चावल थे तो 2 kg मैंने इसमें पानी डालना है। अब मैंने इसको ढक दिए, ये पानी बॉईल हो गया, इसमें चावल डालूंगी। ये देखिए ये पानी को जोश आ गया है अच्छी तरह, इसमें अब मैंने चावल ऐड कर देने हैं। अच्छा,
इसको मैंने हिलाना है, इसके अंदर चम्मच नहीं हिलाना, बाहर से मैंने इसको हिला के अब मैंने इसको ढका। ये देखिए ये चावल हमारे बन गए हैं, दम पे आ गए हैं। अब मैं दम पे लगाने हूँ, इसके नीचे मैं तवा रखूँगी कि ये दम अच्छी तरह आ जाए। ये देखिए अब मैंने आँच हल्की कर देनी है, तवा अच्छी तरह गर्म करके उसके बाद मैं आँच अच्छी हल्की कर दूँगी, दम आ जाएगा। 15 मिनट के बाद मैंने दम खोलना है।